हेलो दोस्तों, जय माता दी आप सभी को। मैं आई हूँ ग्राम पात्रो में और अभी चल रहे क्वार नवरात्रि के तीसरे दिन, और तीसरे दिन मैं माँ के दर्शन कराती हूँ और यहाँ पे सेवा गीत भी हो रहा है, उनका भी दर्शन कराती हूँ। दर्शनार्थी भीड़ लगाई हुई है, वो भी चलते हैं। ये है माँ का मंदिर का दरबार जहाँ पे अभी सेवा गीत वगैरह चल रहे हैं। चलिए जल्दी चल रहे है। और काफी दूर दूर से पब्लिक माता जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सबको एक अचंभा सा रहता है, बिना खाए पिए खिले के पलंग पे लेटे रहती है और अपने ऊपर ज्योति कलश जवारा उठाए रहती है। ये बात को सुन के लोग बड़े ही दूर दूर से आस्था और श्रद्धा को लेके दर्शन करने के लिए आते जा रहे हैं, और ऐसी ही सिलसिला हर नवरात्रि में चलता है और ये आपका नवमी तक पूरा चलते आता है। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, मतलब आपका 3-1 हुआ, 4 तारीख को 2 हुआ और आज है 5 तारीख, तो तीसरा दिन हो गया है और इतना भीड़ हो गया है। और ये अभी टाइम हो रहा है 12 बजे, दोपहर 12 बजे का भीड़ है। जैसे जैसे और भी दोपहर होते जाएंगे और शाम होते जाएंगे, वैसे भीड़ बढ़ते जाती है। यहाँ पे सब लोग शांत स्वभाव से मस्त आराम से बैठ के माता जी का दर्शन कर रहे हैं। ये सही तरीका है, बैठ के दर्शन करो तो सबको दिखेगा। और कई लोग क्या है, उनके पास एकदम से खड़े हो जाते हैं, जिससे गर्मी के वजह से गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ भी आता है। आप लोगों को तो दिख ही रहा है, पता चल ही रहा है कि कितना धूप है, कितना उमस है। अब उस हालत में वो एक बंद कमरे के पास में रहेंगे माता जी, तो उनको चिड़चिड़ाहट तो लगेगा। हालांकि वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है, लेकिन जो उनके नज़दीक पे रहते हैं, जो उनके सेवा करते हैं, वो उनके फेस से, उनके इरादे से समझ जाते हैं वो चिड़चिड़ा रही है, गुस्सा कर रही है करके। तो ये सही तरीका है, आपको केवल ऐसी ही बैठ के दर्शन करना चाहिए, ना कि एकदम से खड़े होके भीड़ लगा के आपको दर्शन करना है। तो इस तरीके से हुआ आज हमारा कुवारी माता जी का तीसरे दिन का दर्शन। आप भी कर लीजिए और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिख देंगे। यहाँ पे भोजली निकल चुका है, उसके बाद में सेवा भी चली रहे है और ये है दर्शनार्थी की भीड़। अगर आप इनमें से किसी को पहचानते हैं तो कमेंट्स में नाम ज़रूर बता देंगे या फिर गांव ज़रूर बता देंगे। अब उसके बाद में अभी और सेवा शुरू होने वाला है, फिर मैं आपको ज्योति कलश भी दिखाऊंगी और उसके बाद देखते हैं, और पार्टी अगर आते हैं सेवा वाले तो उसको भी मैं दिखाते जाऊंगी। अब जितने सारे बैठे थे उन लोग उठ गए और दूसरे लोग आ गए। कितनों भी जगह रहे, जब दर्शनार्थी आते हैं तो जगह हो जाता है छोटा, क्योंकि माँ का लुक, माँ की कठिन परिश्रम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रणाम कर ले और चले जाए, उनके मोहनी मूर्तियाँ को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। और कई लोग होते हैं जो उनको हंस के चले जाते हैं, और कई लोग हैं जो अपने मन में उतार लेते हैं, अपना दर्द, जो माँ दर्द सह रही है उसको अपने ऊपर महसूस कर लेते हैं। और जो महसूस कर लेते हैं माँ की जो दर्द है उसको अपने शरीर के ऊपर महसूस कर लेते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। और जो हंस के निकल जाते हैं, जो मजाक उड़ा के निकल जाते हैं, वो एक बार फिर आते हैं रोते हुए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की साधना, कभी किसी की मेहनत, कभी किसी की परिश्रम को हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस तरीके से रहा आज का हमारा कातरों का दर्शन। अगर आप नहीं आए होंगे तो एक बार ज़रूर आइए, माता जी का दर्शन करके आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना ज़रूर पूरा कीजिए। यहाँ पे झूला है, बच्चे लोग झूला का भी दर्शन कर रहे हैं और तिलक वगैरह भी लगा रहे हैं।
घूम घूम के लोग दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उतनी भीड़ नहीं है। जैसे आपका एक बजता है, दो बजता है, तीन बजता है, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो आगे आगे देखते रहेंगे, भीड़ होते जाएगा। और यहाँ पे ये भैया हैं जो ज्योति कलश की और मंदिर आसन की सारी की देखभाल करते हैं और वो बांट रहे हैं प्रसाद। अब उसके बाद में थोड़ी ही देर में एक अतिथि भी आए हुए हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे। सेवा सुनते हुए आप भी एक झलक मैया जी का दर्शन करते हुए जय माता दी जरूर बोल देंगे। पब्लिक का दिखाने के बाद में मैं आ गई ज्योति रूम पे और ये है ज्योति कलश, जिनके आप भी दर्शन कर लीजिए। भोजली कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, आप उसको भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे एक जॉस भी थोड़ा सा कम हो रहा है, धुआं ज़्यादा खिंचा नहीं रहा है, जिसके वजह से धुंधलापन लग रहा है, धुआं बहुत लग रहा है। और ऐसा रहा आज का हमारा ज्योति कलश का रूम, कितने ही शांत स्वभाव से ज्योत प्रज्वलित हो रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। सामने सामने में आपको भोजली वाला ज्योत मिलेगा, फिर उसके बाद पीछे आपका केवल ज्योति बस है। ऐसा होता है माँ के मंदिर में ज्योत प्रज्वलित। फिर उसके बाद चलिए मैं नज़दीक से माता जी का आपका दर्शन कराती हूँ। यहाँ से आप नारियल सिंगार जो भी है उसको चढ़ा सकते हैं। और ये है मैया जी का आसन, जहाँ पे माँ लेटी हुई है और उनके ऊपर ज्योत प्रज्वलित हुई है, जिसमें जल है, भोजली है और ज्योत है, जो माँ अपने पेट पे उठाई हुई है। और इस तरीके से सेवक इधर सेवा कर रहे हैं, हाथ पैर दबाना उनको ऐसा। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है आसन को छूना मना है। आप चाहे बच्चे रहें, जेंट्स रहें, लेडीज रहें, कोई भी रहे, आपको जो मैया सोई है उस आसन को नहीं छूना है। आपको ये जो चरण पादुका दिख रहे हैं उसी को छू के प्रणाम कर लेना है, लेकिन आसन को आपको नहीं छूना है। बार बार लोग मना करते हैं तब भी दर्शनार्थी आसन को छू लेते हैं, जिससे कभी कभी माँ को क्रोध आ जाता है और वो गुस्से में कभी भी किसी को बोल दे तो वो अपशगुन हो जाएगा, इसलिए आप उससे दूर रहिए। और ये है अतिथि जो आज माँ के मंदिर पे मैया जी का दर्शन करने आए हैं, उनको चाय पानी जो भी है पूछ रहे हैं। तो अब मेरे को नहीं पता ये जो साधु संत आए हैं वो कहाँ से आए हैं, हमारा अधिकार भी नहीं है ना हक नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं पूछने का। वो मंदिर पे आए हैं माता जी का दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद में बाहर गेट के तरफ बैठ गए। फिर उसके बाद पब्लिक लोग फिर आए और फिर से अपने अपने दर्शन करने लग गए। तो बताइए आज मैया जी के मंदिर पे अतिथि आए, आप उनके भी दर्शन किए और माता जी के भी दर्शन किए, तो कैसे लगा? हमें तो अच्छा लगा सबसे ज़्यादा माता जी का दर्शन करके, क्योंकि हम माता जी के मंदिर पे आए हैं तो हम सिर्फ उन्हीं का दर्शन करने आए थे। ये तो हमारा सौभाग्य है जो साधु संत लोग भी आ गए और दर्शन हो गए। ये है सेवा पार्टी वाले जसगीत जो अभी गा रहे थे, उनको कर दिए भेंट, क्योंकि गा चुके हैं तो विदाई दे रहे थे। अब यहाँ पे सब लोग कर लेते हैं प्रणाम। अब उसके बाद में जाना है घर इन लोगों को, तो उसके लिए सब लोग माता जी को दर्शन कर रहे हैं। जो भी नारियल, चावल, फूल, अगरबत्ती जो भी जिनसे बनता है सब लोग चढ़ा रहे हैं।
तो और ऐसा रहा आज का हमारा दिन। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फ़ोटो वीडियो ना ले, इसके वजह से थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि लोग फ़ोटो और वीडियो में टाइम को गवा देते हैं और पीछे आने वाले को मौका नहीं देते हैं। खींचो फोटो, लेकिन आप जल्दी से खींच के पीछे हट जाओ तो पीछे वाले को भी दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज की तीसरे दिन की जानकारी रही मेरी माता के मंदिर के, माता के दरबार का, और आप भी कीजिए दर्शन, मैं कर ली हूँ। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चौथे दिन पे, और कुछ भी भूल चूक हुआ होगा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो जयकारा लगाते रहिए शेरावाली की और काली मैया की और कुंवारी माता की, और अपनी इच्छा अपनी मनोकामना माँ के सामने रख दीजिए। आचल